जय श्री श्याम, वेलकम बैक टू माय चैनल हनीबी व्लॉग्स। तो आप लोगों को जैसा पता ही है कि मेरी ननद आए हुए हैं घर पे मम्मी से मिलने के लिए। फिर बेटियां जब आती है तो वापस जाती है तो उनको विदाई देनी होती है, तो विदाई के लिए साड़ियां वगैरह दिलानी होती है। और वैसे भी रक्षाबंधन आ रही थी तो मुझे भी दीदी को साड़ी दिलानी थी, मम्मी की तरफ से भी उनको लेनी थी। तो हम ननद भाभी पहुँच गए मार्केट और हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे तो मार्केट में भीड़ नहीं थी, वरना रक्षाबंधन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी थे तो ऐसा लग रहा था बस हम लोग गए हैं आराम से। हमने देख ली भुआजी लोग के लिए भी साड़ियाँ लेनी थी क्योंकि रक्षाबंधन आ रही थी, दीदी के लिए भी लेनी थी, मैं दिला रही थी, सौम्या दिला रही थी, मतलब मेरी देवरानी मम्मी की तरफ से। तो हमने खूब सारी शॉपिंग करी, बस गलती होगी, मैंने सोचा था मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी हम कौन कौन सी साड़ियाँ हमने ली है, लेकिन फिर वो भूल गए और अब दीदी रवाना हो चुकी है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर तो नहीं कर पाऊँगी, पर जो दिखा रही उन्हीं में से ली थी। उसी दिन जब मार्केट गए थे तो हमने देखा था गैस चूल्हा, क्योंकि हमारा जो गैस चूल्हा लेके आए थे, क्योंकि हमारा जो पुराना वाला चूल्हा उसका ऊपर का जो ग्लास है वो टूट चुका है और कहते वैसे टूटा हुआ चूल्हा फिर शुभ नहीं रहता, तो हम लोग को चेंज करना था। काफ़ी टाइम से सोच रहे थे लेकिन लाने का हो ही नहीं रहा था। फिर दीदी आए तो हम लोग दोनों देख के आए थे और ये फिर हम लोग लेके आए और बहन बेटी आई हुई है, फिर उसी के हाथ से इनॉग्रेशन करवा लेते हमारे चूल्हे का, तो उन्हीं के हाथ से हम लोग निकलवा रहे हैं, इसकी शुरुआत करवा रहे हैं। इसको थोड़ा सा लगाने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि पुराना वाला जो चूल्हा था ना उसके पीछे का पाइप बहुत ज़्यादा टाइट था तो निकल नहीं रहा था। तो हमारे घर के पास में एक बाइक की सर्विसिंग वगैरह करते हैं, उनकी शॉप है, जान पहचान के ही हैं, मोहल्ले के ही हैं, तो उन भैया को हम लोगों ने बुलवाया और उन्हीं से हमने ये चूल्हा सेट करवाया। थोड़ी सी बहुत मुश्किल से हो रहा था क्योंकि पाइप बहुत ज़्यादा टाइट था, निकल ही नहीं रहा था, लेकिन फिर इसको जैसे जैसे हमने करवाया सेट। और फिर जब नया चूल्हा आता है तो घर में मीठा तो बनाना ही होता है, तो फिर हमने इस चूल्हे पे बनवाया था मीठा और ये मीठे में हमने बनाया था हलवा। आज वैदिक के स्कूल में रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाएगा तो प्रत्येक बच्चे को, मतलब एक लड़के को एक लड़की से राखी बंधवाई जाएगी, तो उसके लिए मैंने ये गिफ्ट तैयार किया है उसके लिए। तो ये गिफ्ट भेजेंगे वैदिक को, जो भी लड़की राखी बांधेगी वैदिक उसको गिफ्ट दे देगा। और ये बच्चों को मतलब त्यौहार सेलिब्रेट करना सिखाना हुआ, रिलेशन सिखाना हुआ, उसके लिए बहुत अच्छी पहल है, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। तो उनके लिए ये है, तो वैदिक अब स्कूल जाएगा तो उसको ये तैयार करके दिया है गिफ्ट। ये वैदिक को कर रही है उसकी भुआ तैयार, क्योंकि उसका जिद था कि मुझे भुआ जी ही तैयार करेगी। आज उनका स्कूल ड्रेस का ऑफ था, स्कूल ड्रेस नहीं पहन के जाना था, कुछ भी कलरफुल ड्रेस पहन के जाओ जो आपको पसंद हो वो पहन के गए थे। स्कूल से जब वापस आए तो मेरे जो देवर है वो बच्चों को लेके आए थे, उन्होंने दिला दिया बच्चों को ये डमरू, जो घर आते ही पूरा घर सर पे उठा दिया डमरू बजा बजा के। बड़े वाले दीदी भी आ गए थे, रात को ही आए थे और मतलब रात को 12:30 बजे पहुंचे थे उनका ट्रेन ले। और ये हमारे पूजा दीदी है जो रात को आए थे बहुत लेट, तो आने का कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। अभी इनके मेहंदी लगाई जा रही है, पैरों पर लग गई, हाथों पर लग रही है। ये है शाम का मंदिर का शिवालय का सीन, यहाँ पे जो सावन में पूरा एक महीना महाआरती होती है शिव जी की, वहाँ हम लोग गए थे शिव जी की आरती में, तो अभी वहीं बैठ के आरती का आनंद ले रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा आनंद ले लीजिए आरती का। उसी रात आरती से आने के बाद हम लोग जब घर पे आए तो थोड़ी देर बाद वैदिक के पापा आ गए थे फलोदी से और वैदिक उनसे हो गया था नाराज, मतलब पूरा नाराज जो हुआ था ना उसका पूरा तो मैं रिकॉर्ड कर ही नहीं पाई, वो कितना गजब मूड बना के नाराज हुआ था। उसके पापा उसको मना रहे हैं क्योंकि उसके लिए खिलौने नहीं लेके आए, हालांकि उन्होंने खिलौने खरीदे थे, पर वो बोल रहे मुझे लेट हो रहा था और मैं बैग में डालना भूल गया और मेरे को मतलब मैं भूल ही गया वो खिलौने वहीं रह गए, और वैदिक हो गया था इनसे यहाँ पे नाराज, तो इसके पापा इसको मना रहे हैं यहाँ पे। थोड़ा सा
मंदिर के हालत में देख रही है, लगा लोग सुबह 4 बजे हाँ। बुला लेना कोई हमारे दादू जी पुण्य टाइम 10 बजे को रखे प्रोग्राम 9 बजे को 10 बजे पहले कोई को नहीं आयो, मैं एक लोदार बैठे हो। यहाँ हम सब मार रहे हैं गप्पे शप्पे, रात को बहुत लेट तक हम लोग सब बैठे थे, बहुत बातें बातें करी। वैदिकी पापा ने आने के बाद खाना खाया था और यहाँ पे हम सब बैठ के कर रहे हैं बातें, लेट तक बातें बातें चली, फिर सब सो गए। और यही था मेरा आज का पूरा डे का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। जय श्री श्याम।